का नक्शा एलडीए ने पास किया है, आप बताइए तब हमने मकान बनाया है। जब हमारे मकान यहाँ पे बन रहे थे तो वहाँ पर कोई उनको दिखा नहीं कि ये क्या हो रहा है। हमारा पैदाइश यहीं की है, हमारा ननिहाल और हमारा दतियाल और मैका सब यहीं का है। कुकरैल नदी के किनारे बने मकानों पर लगे इसी लाल निशान ने चैन छीन लिया है 20,000 से ज्यादा लोगों का, बेचैन कर दिया है हजारों परिवार को जो बरसों से यहाँ रहते आए हैं। अशांत है वो तमाम लोग जिन्होंने भावनाओं की बुनियाद पर सपनों का ये घर बनाया था, क्योंकि इन घरों पर बुलडोजर के डर का मीटर ऊपर है। लखनऊ के खुर्रम नगर के इलाके में जहाँ खौफ का निशान लगा है मकानों पर, उनमें रहीम नगर है, अबरार नगर और पंत नगर है, जहाँ बुलडोजर का डर घर घर पसरा हुआ है। अकबर नगर के बाद अब एलडीए जो है वो रहीम नगर, अबरार नगर और पंत नगर में भी कार्रवाई करने की बात कर रहा है और तमाम इलाकों में सर्वे किए गए हैं। आपको मकान दिखाते हैं, ये हम इस वक्त पंत नगर में है, बड़े बड़े यहाँ मकान बने हुए हैं और ये एलडीए कह रहा है कि इन तमाम मकानों को यहाँ से हटाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए घरों पे क्रॉस के निशान भी बनाए गए हैं और आपको दिखाते हैं कितनी दूरी तक जो पूरे मकान है, ये देखिए कितने बड़े मकान इस एरिया में बने हुए हैं और यहाँ एलडीए का दावा है कि तमाम मकान अवैध है। सवाल है कि क्या लखनऊ की तीनों और कॉलोनियों में बुलडोजर चलेगा? क्या जो अकबर नगर में हुआ वही खुर्रम नगर इलाके में भी होगा? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिन कॉलोनियों को अवैध बताकर ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, उनमें से एक तो पंत नगर है जहां टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची थी। वहीं पर नाले से करीब 90 मीटर से दूर तक लोगों के मकानों में खतरे के निशान लगा दिए गए हैं। बगल में ये नाला है, कहा जा रहा है कि इस नाले से 90 मीटर, लेकिन जो नाप रहे हैं वो इस सड़क से नापा जा रहा है, लिहाजा आप अगर देखें तो यहाँ से अगर वो 90 मीटर लेते हैं तो तमाम मकान जो है देखिए गड़ा हुआ है। यहाँ बकायदा लिखा भी हुआ है 12.5 मीटर अंदर, मानी इस मकान के भी अंदर 12 मीटर तक और अंदर तक जाएंगे तो ये पूरी सोसाइटी, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला जो है इसकी जद में आ जाएगा ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने हमें इतने सालों से यहाँ बसाया हुआ है, हमारे पास रजिस्ट्री है, सारे वो कागजात हैं जो किसी भी मकान के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे हमारे पास हैं, फिर हमें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। पंतनगर के इलाके में जो घर बना है उनके नक्शे खुद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पास किए हैं। लोगों के पास रजिस्ट्री कॉपी है, बिजली का बिल है, पूरे कागज के साथ लोग खड़े हैं। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो कहते हैं कि इनके पास बकायदा इसकी रजिस्ट्री है, पेपर है, सारे डॉक्यूमेंट है, कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, उसके बावजूद अब एलडीए ऐसा क्यों करने जा रहा है, आप लोग का सवाल है। आपने आपका मकान कौन सा है? हमारा ये है भैया, ये आपका मकान है जी। और ये बताइए, जो रोड बनी है जी, वो नाले में बना रखे हैं जी, तो रोड क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं? जो बने बनाए घर तोड़ रहे हैं, ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके पास रजिस्ट्री है इसकी? हर कागज, जो कागज सरकार मांगेगी वो कागज मैं दूंगी निकाल के, सारे कागज है मेरे पास, फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये बताइए हमें। तो ये लगता है कि इस तरह की जिसने अवैध घोषित किया ये अवैध है, हमारे पास सारे कागज हैं, वैध मकान है, हर चीज है, तो अवैध कैसे हो गया ये बताइए। एक सेकंड, ये देखिए इनके पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री पेपर है ये, और ये इनका बड़ा मकान है और ये कह रही है कि ये लीगल है। अब इन्हें इतने सालों बाद अवैध किस आधार पे कहा जा रहा है जबकि सारे डॉक्यूमेंट है। लाल निशान लगाने वाले एलडीए इन इलाकों में बने घरों के मालिकों की लिस्ट तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और फिर उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की नजर में ये ग्रीन बेल्ट एरिया है। 90 मीटर से 100 मीटर के दायरे पे उन्होंने चिन्हित किया है, वो भी रोड से उन्होंने नाला नापा है, ना कि वो जो हाईवे बना है, नेशनल हाईवे बना वहाँ से, क्योंकि नेशनल हाईवे में भी हमारे नाले की 30 मीटर प्रॉपर्टी गई है, ठीक है, तो उन्होंने वो सब चीजें नहीं नापी हैं। अवैध बोला जा रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, उसके दूसरे दिन से जो निकाल रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, पहले कहा अवैध है, अब कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट एरिया, उससे पहले बाढ़ ग्रस्त एरिया बताया जाता कि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है। कहाँ बोर्ड लगवाए कि ये ग्रीन बेल्ट है? कहीं पे सरकार को 25-30 साल में याद नहीं आया कि हम अपनी सेफ्टी के लिए ये ग्रीन बेल्ट है या कुछ है, नाले का किनारा है तो यहाँ पर हम होर्डिंग लगाएं कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर आप मकान नहीं बना सकते। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों का घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट एरिया में ये सीवर लाइन है, रोड है, ये सब तो नहीं आता है ना। सरकार ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है सरकार ने, सारे कागज मौजूद है।
यही वजह है कि सवालों की चक्रव्यूह में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर हैं। सरकार की निष्ठा है और वो अनदेखी भी है, जिसकी वजह से ये जमीन बिकी भी, रजिस्ट्री भी हुई, नक्शा भी पास हुआ और घर भी बना। जब हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और जब रजिस्ट्री कराई थी, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? वो वहाँ पे फर्जी सैलरी लेने के लिए नहीं बैठे हैं, उनका काम है पूरी चीज को देखना, ठीक है, वेरिफिकेशन करना। उसके बाद एलडीए ने हमको, ये नगर निगम ने हमको मकान नंबर दिए। जब हमारे मकान यहाँ पे बन रहे थे तो वहाँ पर कोई उनको दिखा नहीं कि ये क्या हो रहा है। ये एलडीए का नक्शा एलडीए ने पास किया है, आप बताइए तब हमने मकान बनाया है? कौन सा नियम है जिसमें ये एलडीए कहाँ दे, ये किसने साइन किए, उसको पहले पकड़िए। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, सवाल है, और ये इसलिए भी है क्योंकि पिछले 25-30 सालों से लोग यहाँ घर बना कर रह रहे हैं, किसी को कुछ याद नहीं आया, अचानक ही अफसर आए और खतरे की घंटी बजा दी। सर्वे ऐसे हुआ, आदमी सब लोग टीम के साथ निकलते चले गए, पहली बार निकलते चले गए, किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ बताया नहीं। दूसरी बार आए, रंग लेके निशान लगा दिया, उन्होंने ये भी नहीं पूछा किसी के पास कागज है अन्यथा नहीं। एलडीए ने नक्शा पास किया, फिर हम लोगों ने मकान बनाया। ग्रीन बेल्ट कैसे हो सकता है, अवैध कैसे हो सकता है ये सब? इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, अब हम लोग बुढ़ापे में कहाँ जाएं? जुलाई का महीना है, बच्चों को स्कूल भेज रहे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ मकान मिलेगा हम लोगों को? घर में 8-8 आदमी है, कोई मकान देगा ही नहीं, परेशान करके रखा जुलाई में। हमें मकान नहीं देंगे। खजूर के पेड़ थे और अमरूद के पेड़ थे, हमारा पैदाइश यही की है, हमारा ननिहाल और हमारा दधियाल और मैका सब यही का है, मगर हम अगर हम बचपने से जानते कि ये जो है सरकार की है, ये उजेर लंबरदार की जमीन थी। सामने हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हमें सरकार जो आज का वैल्यूएशन है, क्या गवर्नमेंट उसका चॉइस देगी, या इस उम्र में हम लैंड ढूंढेंगे फिर मकान बनाएंगे तो हमारी 80 साल में ऐसी मर जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या चाहती? कुकरेल रिवर फ्रंट के रास्ते में आने वाले करीब 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह साफ करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पंत नगर में करीब 250 घर हैं, अबरार नगर में 600 घर हैं और रहीम नगर में करीब 100 घर। लिहाजा टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अबरार नगर पहुंची, जहां सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं। अबरार नगर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। देखिए कुकरेल नाले की ये तस्वीर, बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती हैं। नाला जो अब कहा जाएगा, पहले ये नदी हुआ करती थी, लेकिन इसमें भी कितना सकरा कर दिया गया है और आसपास घर बने हुए हैं। सर्वे का काम एलडीए और जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है, नगर निगम की भी हिस्सेदारी रही, पुलिस प्रशासन के अफसर भी उमड़े हैं और सिंचाई विभाग के अफसर भी इसमें शामिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो मार्किंग की गई है। हालांकि आज चूंकि बारिश होने के चलते एलडीए के अफसर यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मार्किंग के काम के बाद बुलडोजर चलाकर पूरे इलाके को जमींदोज करने की कार्रवाई तेज की जाएगी। इससे पहले इसी लखनऊ के अकबर नगर में नगर निगम की टीम ने 1000 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया था। हालांकि अकबर नगर और खुर्रम नगर इलाके में फर्क है, यहां की कॉलोनियों में लोगों के पास पक्के कागजात हैं, बिल है, नक्शा है और इस सब के बीच अदालत की चौकट पर जाने के विकल्प हैं, लेकिन बसे बसाए कॉलोनी में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए घर पर जिस तरह अब अचानक बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, उसने हजारों लोगों को बेचैन कर दिया है। विनोद मिश्रा और मनीष यादव के साथ। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।